फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? तो आज हम बनाने वाले हैं क्रिस्पी कुरकुरे, वो भी बासी बचे हुए चावल के, जो कि अक्सर ही सभी के घर में चावल बच जाते हैं। तो मेरे पास भी बचे हुए थे, तो यहाँ देखिए ये चावल बचे हुए थे मेरे पास, पके हुए चावल हैं। तो अभी हम इसका एक फाइन पेस्ट तैयार करने वाले हैं। तो मैंने इसको एक मिक्सर के अंदर डाल दिया है और साथ में मैं इसके अंदर 2 चम्मच पानी डालूंगी ताकि ये बिल्कुल अच्छी तरह से पीस जाएं। तो यहाँ देखिए जो चावल हैं वो प्रॉपरली इसका पेस्ट बन चुका है। इसके अंदर ज़्यादा पानी नहीं डालना है, नहीं तो ये बिल्कुल ही सॉफ्ट बनेंगे क्रिस्पी, तो फिर ये बिल्कुल भी नहीं बनने वाले। तो यहाँ देखिए पेस्ट तैयार है और यहाँ पर मैंने लिया है मैदा और कॉर्नफ्लावर और ये लिया है मैंने थोड़ा सा बेसन। तो चलिए अभी हम इसके अंदर डालेंगे 2 चम्मच मैदा। मैं यहाँ पे 2 चम्मच डाल रही हूँ इसके अंदर मैदा और 2 चम्मच डालूँगी मैं इसके अंदर कॉर्नफ्लावर। आप इसकी जगह पे आरारोट पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके अंदर डाल दूँगी 2 चम्मच मैं बेसन की। तो अभी हम इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मैंने चाट मसाला और थोड़ा सा लिया है मैंने गरम मसाला, आधा आधा चम्मच। तो अभी हम इसको भी डाल देते हैं इसके अंदर और साथ में हम डाल देंगे नमक और मिर्च, लाल पीसी हुई मिर्च है ये। और साथ में डाल दूंगी मैं इसके अंदर थोड़ी सी हल्दी, जिससे कि एक अच्छा सा कलर आएगा। तो चलिए अभी हम इसको मिक्स कर लेते हैं। बस ध्यान रखना है अभी इसके अंदर आपको पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। जो मैंने पानी डाला था वो सिर्फ मैंने इसको जब मिक्सी के अंदर मैंने चावल को पीसना था, पानी मैंने सिर्फ तभी डाला था। तो यहाँ आप देख सकते हैं अभी मैंने जो जितना भी इसके अंदर सामान डाला है मैं उसको ऐसे ही मिक्स कर लेती हूँ, क्योंकि जो चावल हैं वो खुद ब खुद इसको जो है वो सोख लेंगे अच्छे से और इसका एक फाइन पेस्ट बन जाएगा। तो इसको ज़्यादा पतला नहीं रखना है और ना ही ज़्यादा पानी डालना है। तो यहाँ देखिए इसको मैं एक चम्मच की हेल्प से ही अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो पेस्ट है कुरकुरे बनाने के लिए वो बन चुका है, यानी कि मेरे पास बचे हुए चावल थे। तो यहाँ देखिए मैंने ये एक पॉलीथीन लिया है या लिफाफा पैकेट जो भी आप लगा ले, ये मैंने एक पैकेट लिया और उसको कॉर्नर से काट लिया है, बीच से सॉरी किनारे से मैंने उसको काट लिया है। तो अभी हम इसके अंदर भरेंगे ये मिक्सचर। आप चाहे तो इसकी जगह पे लेस का पैकेट या फिर दूध वाली पैकेट होती है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम इसके अंदर ये सारा पेस्ट डाल देंगे। तो यहाँ आप देख ही सकते हैं मैंने इसके अंदर सारा पेस्ट डाल लिया है एक साथ ही, क्योंकि ये पैकेट है जो ये बड़ा था तो मैंने इसको हाफ काट लिया था बीच से ही। तो अगर आप चाहें तो इसके ऊपर रबड़ भी लगा सकती हैं, लेकिन मैं तो इसको ऐसे ही पकड़ लूँगी ऊपर से, बट अगर आपको अनकंफर्टेबल लगे तो आप इसके ऊपर एक रबड़ लगा लीजिएगा। तो देखिए तेल गर्म है, तो हम ऐसे करके इसके अंदर एक कुरकुरे की शेप में इसको डालते जाएंगे। और हाँ, चम्मच से आप इसको काटते जाएं ताकि इसका साइज़ जो है वो ज़्यादा बड़ा ना हो, यानी कि मीडियम साइज़ के ही बनाएं, तो ये बिल्कुल ही आपको कुरकुरे जैसी फीलिंग देंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने ऐसे करके क्रिस्पी कुरकुरे जो हैं वो फ्राई कर लिए हैं। तो अभी मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं, तो अभी हम इसको थोड़ी देर फ्राई होने देंगे कम आंच पे, ताकि ये अंदर तक पक जाएं और बेहद क्रिस्पी बन जाएं। तो यहाँ आप देख ही सकते हैं कि जो कुरकुरे हैं वो हल्का फ्राई होना शुरू हो गए हैं। तो इसको थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कलर होने देंगे, फिर हम धीरे धीरे इसको एक बिल्कुल रेड कलर में लेकर आएंगे, जिससे कि ये बिल्कुल ही कुरकुरे लगेंगे। तो यहाँ देखिए बिल्कुल ही क्रिस्पी बनने वाले हैं ये कुरकुरे। तो बासी बचे हुए चावल तो सबके घर पे होते ही हैं,
हमारे तो अक्सर ही बच जाते हैं, चाहे एक कटोरी दो कटोरी, तो एग्जैक्ट तो अमाउंट नहीं बन पाती है। तो यहाँ देखिए कुरकुरे जो हैं वो बन गए हैं बिल्कुल क्रिस्पी क्रिस्पी, तो मैं अभी इनको निकाल लेती हूँ और जो बाकी बचे हुए हैं अब हम उनको भी फ्राई कर लेंगे ऐसे ही। ये देखिए, वैसे तो आजकल एक रेडीमेड शेप का भी वो मिलता है जो सांचा होता है वो भी मिलता है मार्केट में, लेकिन अगर आपके पास वो नहीं अवेलेबल है तो आप घर की चीज़ों से भी काम चला सकते हैं, क्योंकि कुरकुरे वगैरह रोज़ रोज़ तो बनाने नहीं होते, तो आप ऐसे ही पैकेट का यूज़ करके इसको शेप दे सकते हैं कुरकुरे की। और यहाँ देखिए मैंने भी पैकेट का ही यूज़ करके कुरकुरे बनाए हैं और बेहद क्रिस्पी और हेल्दी भी, और जो बासी बचे हुए चावल थे वो भी काम आ गए। तो यहाँ देखिए अभी मैंने सारे कुरकुरे बना लिए हैं, तो हमारे बासी बचे हुए चावल के क्रिस्पी कुरकुरे बनकर तैयार हैं। तो कैसी लगी आपको ये आज की रेसिपी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।